नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सबूत सामने हैं, उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं सामने आ रही है। कुछ पुरानी चीज़ें जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन अचानक जब सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती दौड़े दौड़े आई थी, वो वीडियो फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है कि वो कितनी बदमाश थी और कितनी ज़्यादा वो शौक थी, क्योंकि ये सारा काम प्री प्लान के साथ किया गया था। दूसरी तरफ 403 दिन जेल में रहने के बावजूद भी सिद्धार्थ पिठानी ने क्या उगला, क्या कहा और उस रात का जो घटनाक्रम था उसके बारे में क्या कहा, इसकी कोई भी जांच, कोई भी स्टेटमेंट अभी तक सबके सामने नहीं आया है। जबकि उस रात और उस सुबह में आप पुराने वीडियो देखें, घटनाक्रम को देखें, तो उनकी बातों से ये साफ पता चलता है कि इन दोनों की काफ़ी बड़ी मिलीभगत थी और इस बड़ी साजिश में इन दोनों के साथ बहुत लोग शामिल हैं पीछे से। और अब तो इस मामले में काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकारें बदल गई, ऑफिसर बदल गए, जो लोग थे वो अब नहीं हैं। दिशा सालियान की जो हत्या का मामला है, भाजपा नेता नारायण राणे ने ये कहा था, जो उस रात का भी सबूत उनके पास है, अब तो ये सब कुछ सामने आना चाहिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी ने जो साजिश किया था उस साजिश का पर्दाफाश हो जाना चाहिए और इन दोनों को, जो कि जेल के अंदर 1 महीना रही रिया चक्रवर्ती और ये 403 दिन रहा, इससे यह पता चलता है कि एजेंसियों का भी निशाना यही दोनों हैं और एजेंसियां भी ये जान चुकी है कि इन दोनों के ऊपर ही सब कुछ है। इस केस को अगर सुलझाना है तो इन दोनों के ऊपर कड़ाई से पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी कुछ निकल कर के सामने आ सकता है। और अभी तक हो सकता है कि जब ये इतने दिनों तक जेल में है तो बहुत कुछ निकल कर के सामने आया होगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उस रात को ये कहता है कि सुशांत सिंह मेरे कमरे में आए थे रात को 1 बजे और वो काफ़ी बेचैन लग रहे थे, और सुबह सुबह की जो घटना है वो ये भी एक शक जाहिर करता है कि इसने चाबी वाले को बुलाया था अचानक ही। क्या इसके पास चाबी वाले का नंबर था और क्या इसने ये पूरा प्लान कर बैठा था कि हमें क्या करना है? ये कई से कड़ी से कड़ी अगर आप मिला करके देखते हैं तो आपको ये साफ पता चलेगा कि सुशांत सिंह के राजपूत के मामले में दो लोग बड़े गुनाहगार हैं, एक तो है रिया चक्रवर्ती और दूसरा है सिद्धार्थ पिठानी। जबकि ये भी एक चीज़ देखना है कि इनको पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है और मोरली भी हेल्प कर रहा है और कानूनी लड़ाई में भी साथ दे रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा माफिया गिरोह शामिल है, जो कि आने वाले समय में उसका भी पर्दाफाश होगा कि आखिर इन सब कहानियों के पीछे है कौन। जय हिंद, जय भारत।